श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति की एक बात जो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि चार काम कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये चार काम तो हम आपको बताएंगे, हम चाणक्य जी की कुछ और भी बातें बता देंगे ताकि वीडियो छूटी नहीं हो। देखिए, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कड़वी लेकिन सच्ची बातें बताई हैं। आज भी नीतियों में सुखी और सफल जीवन के सूत्र खोजे जा सकते हैं। चाणक्य ने एक नीति में बताया कि चार काम ऐसे हैं जो कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता। अब वो चार काम कौन कौन से हैं वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम, कोई व्यक्ति कितना दानवीर है यह उसके स्वभाव में रहता है। तो किसी भी इंसान की दान शक्ति को कम करना या बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार दान पुण्य करता है। आप उन्हें सिखा नहीं सकते हो कि आप कम करो या ज़्यादा करो। जीवन में हर पल अलग परिस्थितियां बनती हैं, ऐसे में सही या गलत का निर्णय आदमी स्वयं ही करता है। मुश्किल समय में सही निर्णय लेने का गुण व्यक्ति के अंदर जन्म से ही होता है। भले ही आपसे परामर्श करेगा पर लेगा डिसीजन खुद। धैर्य ऐसा गुण है जो व्यक्ति को हर कठिन परिस्थिति से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना विचारे ही निर्णय कर लेता है तो बाद में हानि उठाता है। तो व्यक्ति में धैर्य का जो गुण भी है वो भी जन्म से होता है। आप किसी को धैर्यवान नहीं बना सकते हो क्योंकि वो गुण बचपन से ही है, बाल्यकाल से ये गुण उसमें रहता है, जन्म से ही होता है। यदि कोई व्यक्ति कड़वा बोलता है उसे लाख समझा लो कि भैया तुम मीठा बोल लो, लेकिन वह अपना स्वभाव लंबे समय तक के लिए नहीं बदल सकता है। कड़वा बोलने वाले को मीठा बोलना आप नहीं सिखा सकते हो, कभी नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि ये उसके नेचर में शामिल होगा। तो चलिए हम आपको कुछ कड़वा सच भी बता देते हैं। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। दुनिया में कोई ऐसी दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों का स्वार्थ न छिपा हो। यह कटु सत्य है लेकिन सत्य यही है, स्वार्थ छिपा होता है दोस्ती में। ऐसा धन जो बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद मिलता है या अपना धर्म ईमान सब छोड़ने के बाद मिलता है या दुश्मनों की चापलूसी करने से मिलता है, उस धन को आप कदापि स्वीकार नहीं कीजिए। ये चाणक्य की कही हुई बात है। यदि कोई सांप विषैला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसे खुद को ताकतवर प्रदर्शित करना चाहिए। अगर आप ताकतवर प्रदर्शित नहीं करोगे तो ये दुनिया आपको खा जाएगी, आपको बहुत सताएगी। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही ईमानदार व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं क्योंकि ये सदयुग नहीं है, ये कलयुग चल रहा है। फिर भाई बंधुओं की परख संकट में होता है और जीवन साथी की परख धन के नष्ट होने पर होता है। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी बीवी अपनी है कि नहीं, कितना वो आपका साथ दे रही है, ये उसी वक्त पता चलता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।